ये चित्र तो वास्तव में लगने के मैं वैष्णव जी की चित्र साधना को प्रणाम करता हूँ। गौ माता के प्रति उनका प्रेम, कला के प्रति उनका प्रेम, उस प्रेम में से उनका अभ्यास, अभ्यास से उपजा हुआ कौशल, हम तो चाहेंगे कि आगे इनको सरकार और एकेडमीज भी इनके कामों की परीक्षा करें और इनको उचित सम्मान दें। पहली बार राम मंदिर बनने के बाद राम नवमी मनाई जा रही है 5000 वर्ष के इंतजार के बाद, और आज आप यहाँ पर आए क्या चीज़? और जिस तरीके से वहाँ पर सूर्य की किरणें प्राण प्रतिष्ठा पड़ी है, आज अद्भुत अलौकिक दृश्य देखा गया है, ऐसा लग रहा है। मुझे ध्यान 22 जनवरी की एक बात आई जी, आपको ध्यान होगा 19, 20, 21 जनवरी को सूरज भगवान के दर्शन नहीं हुए थे, बहुत कड़ाके की ठंड थी, 4-5 घंटे बैठना था, तो मैंने किसी से कहा कि अगर 22 को भी ठंड रही तो कैसे लोग बैठेंगे इतनी देर तक। तो उसने कहा चिंता मत करो, भगवान सूर्यवंशी है, अगर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है तो अच्छी सबको आराम देने वाली धूप निकलेगी। वो निकली और आज भी भगवान के जन्म के समय सूर्य भगवान ने गर्भगृह में प्रवेश करके उनके मस्तक का तिलक स्वयं होकर किया है। ये ऐसा काल आ गया है, ये ऐसा समय आ गया है कि हम भगवान का स्वप्न देखते हैं, सपने में उनसे मांगते हैं, वो साकार हो जाता है। महेश जी ने, महेश जी की आस्था यह है कि बहुत ये जो इन्होंने 7 महीने की जो अथा मेहनत करी है और वो एक जो जुड़ाव है उनका श्री राम से, मंदिर जो प्रतिष्ठान हुआ वहाँ पर ये स्थापना हो, उनकी एक बहुत अलौकिक इच्छा है। हमारी भी है जी, और मैंने जैसा कहा हम सब मिलकर प्रयत्न करेंगे और योग्यता के आधार पे करेंगे, इसलिए नहीं कि हम उनको जानते कि इतना सुंदर है कि अयोध्या में किसी आदर के स्थान पर इसको रखा जाए। बहुत अच्छा लग रहा है, और सिर्फ मैंने ये सोचा था कि एक बार मैं झलक दिखा पाऊं भाई साहब को, आलोक जी भाई साहब को, और साक्षात वो तो जैसे प्रभु सबरी के घर आते हैं राम जी, उसी तरह से मेरे घर आए और मेरे घर को पवित्र कर दिया है। मुझे और जिंदगी में और क्या चाहिए, बस मेरे काफ़ी कुछ सपने साकार हो गए, और अभी राम मंदिर में लगने के लिए आश्वासन दिया ही है, मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे पेंटिंग राम मंदिर में लगेगी। कितना वक्त लगा है इस पेंटिंग को बनाने में? इस पेंटिंग को बनाने में 7 महीने का टाइम लगा है, और 2.5 महीने में पूरा स्केच तैयार हुआ है, बाकी के टाइम में पूरा पेंटिंग का टाइम हुआ। और कलर जो प्रयोग हुआ है वो कुछ कलर स्टोन कलर काम में लिए हैं, और गोधन से कलर, उस स्टोन कलर में गोधन मिला के जो सामग्री काम किया है जी, हाँ, तो इसमें गोधन मिलाया है और स्टोन कलर है, और इसमें गोल्ड का काम है सारा, और ये मिनीचर काम है, ये मतलब बहुत जल्दी बनने वाली पेंटिंग नहीं है, बहुत डिटेल में इसका काम किया हुआ है। ये लगभग सुबह 4 बजे उठ के भगवान राम की जो भजन सुन के आँख से जैसे आंसू टपक रहे, इस तरह से मैंने अपनी श्रद्धा आस्था पूरा जीवन का निचोड़ इसमें करने की पूरी कोशिश की। ठीक है, पंखा चला देना।